हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर बनाएंगे पाइप और टंकी से ही रिलेटेड प्रश्नों को। ठीक है, इसी का हम लोग का अब सीरीज भी चल रहा है। लगभग टाइप पढ़ लिए, जो भी प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है इसको सबसे पहले देखते हैं। सारे लोग ने जितना भी कॉमेंट किया लगभग सारे लोग का आंसर सही है। ठीक है, इसलिए सबसे जिन लोग से नहीं बना वो लोग ध्यान से देखेंगे। पानी के एक टैंक को तीन पाइप एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है। इस तरह से ले लीजिए जेड और वाई। ठीक है, तो पाइप जेड वाई से 3 गुना तेज है, यानी एक वाई होगा 1 तो जेड कितना हो जाएगा 3। इस तरह से ले लीजिए और एक्स एक्स के भी, और पाइप वाई पाइप एक्स से दुगना तेज है। ठीक है, पाइप ई तो कितना हो जाएगा, ई 1 होगा ई 2 होगा। आसानी से आप बना सकते हैं। आप पढ़े हुए, इसके सामने जो जो खाली जगह रहेगा वहाँ ब्लैंक रहेगा, उसको उस जगह पर लिख देना है 1। यहाँ कितना है 2, तो यहाँ भी कितना लिख लेना है 2। अब इसको खाली इंटू कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 2 1। रेशियो यही हम लोग के चलाया। ठीक है, इससे ही क्या आ गया 3 गुना, और इसका क्या ही आ गया 2 गुना। ठीक है, इस तरीका से आप आसानी से बना सकते हैं। अब पूछा है किसको कि एस अकेले एक्स अकेले कितने दिन में भरेगा, तो तीनों के ले लीजिए, पढ़े थे फिर से समझ लीजिए, E1 D1 E2 D2। आसानी से आप बनाइए तो तीनों मिलके कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9, 9 × 5। किसका पूछा है, एक्स का, तो एक्स के जगह पर 1 × x या D2 जो भी कर दीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना चलाएगा 45, यानी कितना घंटा में करेगा 45 घंटे में। ठीक है, आसानी से बन गया। चलिए हम लोग आगे अभी और प्रीवियस पेपर का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको और देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को पाइप और टंकी से नहीं है, टाइम एंड वर्क से इस क्वेश्चन को ले लिए, इसलिए कि पॉइंट वाला था, सोचे कि पॉइंट वाला आप काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा, बनाने का दोनों का तरीका सेम ही है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर ही चलते हैं। ए बी एवं सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए एवं बी के द्वारा एक साथ काम को करने के लिए उन्हें 2.4 दिनों की आवश्यकता पड़ती है, तथा बी एवं सी एक साथ करने पर उन्हें 4 दिनों का समय लगता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही आसान है, बना सकते हैं ए प्लस बी प्लस क्या लेना है सी, कितना दिन में करता है 2 दिन में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ें तो ए और बी कितना दिन में कर लेता है, ए और बी के द्वारा कितना है तो 2.4। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ें तथा बी एवं सी कितना है 4, बी एवं सी कितना दे दिया गया इसको तो 4। अभी तीनों के का कीजिएगा आप, एलसीएम लीजिएगा, बड़ा दिन से जान रहे हैं। एलसीएम लेने के लिए दशमलव वाला डिस्कर्स फिर एक बार कर देते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी दिए कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 4 पॉइंट को हटाना है दशमलव को, तो कितना से, इसमें भी 10 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 10 से और इसमें भी 10 से, समझ रहे हैं। तो कितना चलाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना चलाएगा 40। इस तीनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा 120, समझ रहे हैं। तो 120 में 10 से गुना किए थे, 10 से का कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 12। समझ गए थे कितना चलाया 12। आसानी से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, यानी कि इससे अब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा 6। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये आप जान चुके हैं। 2.4 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना चलाएगा 5 आ जाएगा ना। इसी तरह से 4 से इतना में करेंगे तो कितना चलाएगा, यानी 12 में डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना चलाएगा 3। आसानी से अब देखिए, इसमें पूछा है आगे कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, बी के इफिशियंसी बी का क्षमता आपको निकालना होगा सबसे पहले, किसका, बी का। तो बी के कैसे आप निकाल सकते हैं थोड़ा समझ लीजिएगा, बी को किस तरीका से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकाल लीजिए ए का। ठीक है, तो ए का अगर निकालिएगा तो बी सी के अगर हम लोग माइनस कर दीजिएगा तो किसका निकल जाएगा, ए का। तो बी सी के कितना दे दिया गया है 3, और ए बी सी का कितना है 6, तो 6 में से अगर हम लोग बी सी के इस जगह पर वैल्यू रख लीजिएगा कितना 3, तो ए का कितना निकल जाएगा 3। समझ रहे हैं, आसानी से आप समझ रहे होंगे, ए के 3 निकल गया। अब समझिए ए के जब 3 निकल गया
ठीक है, तो ए का जब 3 आ गया तो बी के आपसे पूछा जाए कि कितना होगा, तो ए की कितना हो जाएगा 3, तो बी के 5 में से 3 माइनस कर दीजिएगा कितना चलाएगा 2, समझ रहे होंगे, बी के 2। अब तीनों के सी के भी आप निकाल सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत है नहीं, ए बी सी तीनों के कितना है 5, सॉरी 6 है, तो 5 ही दोनों के हो जाएगा, तो इसका कितना सी का कितना चलेगा 1। अब जिसका कह रहा है आप पढ़ लिए हैं ई वन डी वन, बार बार लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए ई टू, ठीक है। अब तीनों मिलके कितना, तो 6, तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6, तीनों मिलके करेगा, और तीनों मिलकर समय कितना दिन में कर लेता है 2, तो 2 ले लीजिएगा, ठीक है। और किसका पूछा है, सिर्फ बी का पूछा है, तो बी का जब पूछा है तो बी की एफिशिएंसी कितना है 2, तो यहाँ लिख लेना है 2 इंटू एक्स, इससे इसके तो एक्स इक्वल टू कितना चलेगा 6। अगर मान लेते हैं कि ये अगर सी के पूछता या इसका पूछता, ए के पूछता, तो ए के यहाँ कितना हो जाता 3 रख देते, फिर 3 दूना 6 कितना कैंसिल हो जाता 2 दूना 4 हो जाता। अगर इसका सी के पूछता तो इसका कितना यहाँ 1 रख लेते, 6 दूना कितना चलाता 12 दिन चलाता, ठीक है। आसानी से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए आगे हम लोग अभी और एक और क्वेश्चन अभी देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। दो गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रमशः 15 मिनट और 40 मिनट में एक गैस सिलेंडर भर सकते हैं, ठीक है। दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद ट्यूब ए बंद हो जाता है, सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लगेगा, आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वीडियो आप रोक दीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा उसको पहले सबसे पहले बना के आप अपना आंसर कमेंट करें, ठीक है। और जिन लोग के नहीं, जिन लोगों को आता है बनाने, वो ध्यान से देखेंगे, मेरे ख्याल से जब सारा वीडियो देखे होंगे तो सारा लोग बना देंगे, ठीक है, जो जो लोग देखा है पहले से। तो चलिए ए कितना मिनट में, तो 15 मिनट इस तरह से ले लेंगे, और बी कितना मिनट में, तो 40 मिनट में भर सकते। दोनों के जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा 120, इसको कितना लिखिएगा 8, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। दो तरीका से बताए होंगे इसको, दो तरीका पर ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट निकाल ले सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, फिर क्या कहा जाता है पर समझ लीजिए, लेकिन 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो 4 मिनट तक ले दोनों खुला रहता है, ए और बी साथ में काम करता है, समझिएगा, ए और बी 4 मिनट तक दोनों साथ काम करेगा, ठीक है। उस तरीका से निकालिएगा तब फिर आपको जैसे 4 मिनट, तो 4 मिनट में 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा 4 मिनट में 11 से, तो 11 चौको कितना चलेगा 44, ठीक है। और 44 120 में से कितना माइनस आप कर दीजिएगा 44, तो कितना चलाएगा 4, समझना है बारीकी से, 4 चलाया, ठीक है। अब 4 चलाया, इसको में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना यहाँ चलाएगा 6, ये कितना चलाएगा 7, ठीक है, समझना है 76, यानी 4 मिनट। उसके बाद कौन बंद हो गया, तो सिर्फ कौन काम करेगा, तो सिर्फ काम करेगा कौन करेगा बी करेगा, तो 76 में आप क्या कीजिएगा 3 से डिवाइड कर, तो लिख सकते हैं कितना, देखिए कितना हो जाएगा 76/3, तो इसको लिख सकते हैं कि ना 25 पूर्णांक 1/ कितना 3। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, अब कहा है तो सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लगा, तब पहले भी कितना भरा गया है 4 मिनट पहले भरा है, ठीक है, तो 25 में ही तो सेकेंड लो, इसमें ऐड कर दीजिएगा कितना, तो 25 इस तरह से 4 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 29 पूर्णांक 1/3, और इसको कितना से 60 से अगर कर देते हैं तो कितना बार में, तो कितना हो जाएगा 20 / 60, यानी 29 मिनट कितना लगेगा सिलेंडर को भरने में 20 सेकेंड, समझ गए होंगे। या इसको इस तरीका से ना बना के अगर डायरेक्ट बनाते हैं तो उस तरीका से भी बन सकता है, उसको भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें हम लोग के दोनों के कंबाइन इस बार नहीं निकालेंगे, ठीक है, इस बार जो निकालेंगे समझ लीजिए आसानी होगा, आगे अगर आप बनाइएगा तो बहुत ईजी वे में बन जाएगा। तो देखिए, लेकिन 4 मिनट के बाद ए बंद हो जाता है, ठीक है, तो 4 मिनट तक ही निकालेंगे कि ये कितना, तो 4 में सिर्फ ए को हम लोग निकालेंगे, तो 4 में कितना से गुना कर देंगे 8 से, तो और 4 को कितना 32, और बाकी समय कौन लगा रहा है तो बी, ठीक है। तो 120 में से आप क्या कीजिएगा, जब 32 आप माइनस कर दीजिए, तो 32 जब माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा 88, ठीक है, यानी 88 जो भी लीटर के जो भी रहेगा खाली रहेगा या तो उसको भरने में कौन सिर्फ भरेगा, तो सिर्फ भरेगा बी, तो 88/ कितना कर दीजिएगा 3, ठीक है। तो यही लिख सकते हैं आप, कितना चलाएगा 4 दूना कितना 3 दूनी 6, फिर 9 * 3 = 27, यानी इतना, और इसमें 60 से गुना कर दिए तो चलाया 20, ठीक है, तो 29 मिनट कितना चलाएगा
20 सेकेंड, समझ गए होंगे। यानी दोनों तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। इससे अगर आप कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट चलेगा, ठीक है, और इससे अगर दोनों के जोड़ के तो फिर लास्ट में क्या करने पड़ेगा, थोड़ा सा आपका उलझन हो जाएगा, यहाँ चार जैसे प्लस किए उस तरह से करना पड़ेगा, वही ऐड कर दिए 25 4 29, और इससे हम लोग का डायरेक्ट निकल जाएगा। तो पूरा अगर शेष कहता तो शेष अगर कहता कि शेष कितना भरने में लगेगा तो कितना हो जाता, 25 पूर्णांक 1/3 ही होता। लेकिन का इसमें का है कि कुल टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी सिलेंडर पूरा भरने में कितना समय लगेगा, इसलिए हम लोग का कितना आ जाएगा, 29 मिनट 20 सेकेंड। कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, सी। चलिए आगे अभी और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार पढ़ देते हैं। इनलेट पाइप एक खाली जलाशय को 32 घंटे में भर सकती है, जबकि निकासी पाइप बी इस भरे हुए जलाशय को 40 घंटे में खाली कर सकती है। जलाशय खाली होने ही स्थिति में पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन निकासी पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय एक तिहाई भर गया था। जलाशय को भरने में कुल कितने समय लगेंगे, ठीक है। इसका देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन हम लोग पहले, सबसे पहले इसका ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन है आपका, चार को दिया गया है, चारों ऑप्शन आपका लिख दिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद बनाना है इसको, ठीक है, और बना के जो भी आंसर आएगा उसका आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। कल से हम लोग नया कोई टॉपिक से रिलेटेड, चलिए कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं।